नमस्कार सीएमएन पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कनिका। बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सिकरोना गांव के जंगलों में ट्रांसमीटर जैसी संदिग्ध वस्तु लगा मृत बाज मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के सरपंच ने बाज को पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने बाज को वन्य जीव अधिकारियों के हवाले कर दिया। अब वाइल्ड लाइफ अधिकारी फरीदाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद बाज का पोस्टमार्टम किया जाएगा। गौर से देखिए बाज के शरीर पर लगे सोलर सिस्टम जैसे ट्रांसमीटर और इसके पैरों में लगे दो छल्ले जैसे संदिग्ध वस्तुओं को, जिन्हें देखकर लगता है कि ये कुछ संदिग्ध वस्तु है जो इस बाज के शरीर और पैरों में फिट की गई है। दरअसल फरीदाबाद के गांव सिकरोना में जंगलों में ये बाज ग्रामीणों द्वारा मृत अवस्था में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना गाँव के सरपंच को दी। सरपंच ये खबर सुनते ही बिना देरी किए मौके पर जा पहुंचे और जब बाज को देखा तो उन्हें भी लगा कि बाज के शरीर के ऊपर एक सोलर पैनल जैसी चिप लगी है और उसके पैरों में भी कुछ संदिग्ध वस्तु बंधी हुई है। सरपंच को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर जा पहुंची। मृत बाज को कब्जे में लेकर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को इसके बारे में बताया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृत बाज को अपने कब्जे में लेकर चले गए। अब बाज का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मुकेश, क्या नाम आपका? उसका ऐसा है जी, पाकिस्तान की इसकी लड़ाई चल रही है जी, ठीक है जी, उसमें घुंघरू बंधे हुए हैं जी, हाँ। चिप लगी हुई है जी, ठीक है जी, और कुछ नहीं है, बाकी यही बात है जी। हो हाँ, ऐसा ही हो सकता है जी, ऐसा हो सकता है जी। आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया? हाँ, पुलिस को फ़ोन कर दिया जी। तो क्या 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 देखा था आपने बाज के ऊपर? भाई चिप लगी हुई है, उसके ऊपर घुंघरू घुंघरू बन रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक, एंटीना वगैरह बता रहे हैं? ना एंटीना का हाँ है इस पर, ठीक है जी, और कुछ नहीं है जी इसको। ठीक है, पुलिस के हाथ में। ठीक है सरपंच साहब, एक बाज पकड़ा गया है। देखिए सुबह हमारे गांव के एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमने खेतों में एक बाज देखा है चील जैसा, और उसके पैरों में कुछ बंधा हुआ है, उसके पीठ पे पीछे की तरफ कुछ बांध रखा है ट्रांसमीटर टाइप में चिप जैसा। तो मैं कहा चलो भाई मुझे दिखा के लाओ, मैं वहाँ गया देखने तो मुझे सेम वही मिला। जब मैंने उसमें देखा कि सब कुछ वो ऐसा ही वो लगा हुआ है, तो मैंने साथ के साथ ही मैंने चौकी में फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया और यहाँ आके देखा पुलिस ने, तो उन्होंने भी वही पाया। फिर उन्होंने फॉरेस्ट वाले और वाइल्ड लाइफ वाले इंस्पेक्टर को उन्हें फ़ोन करके उन्हें मौके बुलाया उनको, और उनको बुला करके उन्हें पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि ये वाइल्ड लाइफ वाले ऐसा ये वो लगाते हैं चिप पक्षियों में, लेकिन हरियाणा में वाइल्ड लाइफ वालों ने एक कोई भी पक्षी में ऐसा चिप अभी तक नहीं लगाई है और ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कल उन्होंने फिर उन्होंने फ़ोन किया, कल उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या मुद्दा तो नहीं है? देखिए सब हमारा भी यही सोचना था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भेजा हुआ हो। सीएस लेके तो इसी तरीके से हम भी गए थे कि इसलिए मैं जल्दी से भागा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और चीज़ हो, कुछ जासूस कोई पक्षी भेज रखा हो, तो इसलिए मैं भी वहाँ भाग के गया। इसलिए मैंने पुलिस चौकी में फ़ोन करके यहाँ सूचना दी पुलिस को कि अपने देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक छोटी सी गलती कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ हो जाए। रहा था उसके पक्षी के ऊपर कुछ पता चला? उसमें मैंने देखा उसमें एक चिप है जो ऊपर पीठ की तरफ जो लगी हुई है, उसमें एक फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, और उस फ़ोन नंबर पे जब हमने मिलाकर देखा तो उसमें वो जियो ट्रिकलर में जियो आ रहा था, उसमें कोई नाम नहीं आया। और दूसरा उस पर कुछ ईमेल आईडी वगैरह भी लिखी हुई हैं, और उसमें जो पैरों में जो बंधे हुए हैं उसमें मुंबई करके ब्रेसलेट टाइप में है मुंबई का, वो उसने पहना हुआ, और दूसरे में एक HHO करके एक दूसरे पैर में है अलग, जैसे कोड वर्ड टाइप में होता है कुछ ऐसा, मतलब संदिग्ध सा तो है ही, देखने में तो अजीब सा ही लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए हमें जासूस ही लगा, इसलिए हमने कार्रवाई की, पुलिस को फ़ोन किया, फॉरेस्ट वाले बुलवाए, और आगे का काम तो ये इनका है, डिपार्टमेंट का, विभाग का, वो अपनी तरफ से देखेगा। हाँ हमें संदिग्ध लगा इसलिए हमने ये सूचना दी सबको। वही पुलिस अधिकारियों के माने तो उन्हें इस घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और जांच की तो पाया कि मृत बाज के शरीर पर कुछ इलेक्ट्रिक वस्तु बंधी हुई है, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ अधिकारी को दी। वाइल्ड लाइफ अधिकारी अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। हाँ, आज एक ना
मैं बनकपुर के खेतों में एक बाज मरा हुआ है। कुछ बंधा हुआ भी है उस बच्चे पीठ पे, एक इलेक्ट्रिक पार्ट बंधा हुआ है। और इस संबंध में हमने वाइल्ड लाइफ वाले विभाग को बुला लिया है, वो भी जांच कर रहे हैं, हम अपने तौर पर जांच कर रहे हैं, जैसी भी उचित होगी वो कार्रवाई की। लोगों से पूछा था उसके पीठ पे चिप वगैरह बंधी हुई है, कोई एंटीना वगैरह भी है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह? इलेक्ट्रिक पार्ट बताया ना बंधा हुआ है। उसके बारे में जांच चल रही है, जांच के बाद जब इनक्वायर हो ये ऐसा हमें तो कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल अगर कोई होगी जांच में आई बात तो उचित कार्रवाई। फिलहाल पुलिस और वन्य जीव अधिकारी जांच में जुटे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है।